हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में एबार फ्रॉम माउंटेन्स चैनल के ऊपर। और आज हमारा जो व्लॉग है उसका टॉपिक है गोबर। आज हम गोबर सारने वाले हैं, तो ये जो गोबर का डंप है यही हम आज पूरा दिखाएंगे आपको कैसे सारा हमने। तो सुबह का टाइम है और अभी हम गोबर समेट रहे हैं। अच्छा, मैं हम वर्ड यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बंदा हमारे साथ और है, नीतू भाई, वो अभी कहीं दूर है। तो ये जो एक कंडा मैंने भरा है और एक जो ऊपर से कंटर दिख रहा है आपको, ये हम दोनों के हैं। तो हम दोनों बारी बारी से इनको ले जाएंगे। और ये जहाँ पे मैं गोबर भर रहा हूँ, ये है हमारी बकरियों की गौशाला, और यहाँ से हम ले जाएंगे। उस जगह का नाम है कोठिम, और वहाँ पहले रहती है हमारी भैंसें। वहाँ के सारे खेत लगभग अभी बंजर हैं, तो हम वहाँ लगाएंगे कुछ पेड़ पौधे। तो अभी हम निकल चुके हैं अपनी बकरियों की गौशाला से और कोठिम के लिए। पूरा रास्ता बहुत लंबा है, दिखाना पॉसिबल नहीं है पूरा। अरे नीतू भाई फिसल गए थे यहाँ पे। बिल्कुल आराम से और सावधानी से चलना पड़ता है इन रास्ते पे, काफ़ी बारीक रास्ते और बहुत गहरी खाइयाँ हैं नीचे। तो अगर थोड़ा सा भी गलती और आप बहुत ज़्यादा नीचे पहुँच जाओगे। अब लग चुकी है प्यास, थोड़ा पानी पीते हैं। ये हमारी खेत के बीच में आता है, यहाँ पे एक जगह पानी निकलता है जमीन के अंदर से। तो पानी तो वैसे ये है, पर यहाँ पता नहीं क्यों पत्थर पड़े हुए हैं। पत्थर डाले हैं किसी ने या खुद गिरे होंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी आता है यहाँ पे, बहुत देर लगेगी इसको। ये छोटा सा जो तालाब टाइप है, छोटा सा, बिल्कुल इसको भरने में लगेगा अब टाइम। तो तब तक करते हैं इसको साफ, फिर जब इसमें जमा हो जाएगा पानी तब दिखाएंगे आपको। बिल्कुल साफ पानी जमा होगा इसमें। अभी ये दिख रहा होगा अभी गंदा, पर ये वैसे है नहीं गंदा, ये बिल्कुल एकदम नेचुरल और साफ पानी है। तब तक इसको पूरा प्रॉपर तरीके से साफ करते हैं। ये अंदर से पता नहीं कहाँ से आता है, ये तो हमको भी नहीं पता। लकड़ी के जाले हैं इसमें, इनको हटा देते हैं पहले, फिर उसके बाद मिट्टी हटा के और एक वो बनाते हैं इसमें तालाब, और इसमें एक केकड़ा भी है, इसको निकालते हैं बाहर। दिख रहा होगा ये छोटा सा केकड़ा, इसको भगाते हैं पहले। इसमें और भी होंगे शायद से, चलो इसको खोल देंगे ताकि मिट्टी वाला पानी बह जाए और साफ वाला पानी यहाँ जमा हो बाद में, बिल्कुल थोड़ी देर में ही पीने लायक पानी मिल जाएगा हमको यहाँ पे। तो अभी पानी तो साफ है नहीं, सफाई करके छोड़ देते हैं इसको। अभी एक और राउंड लगा के आते हैं, तब तक गोबर ला के आते हैं, तब तक ये पानी भी साफ़ हो जाएगा पीने लायक। उसके बाद फिर से एक बार आएंगे यहाँ पे और तब देखते हैं पानी मिलता है या नहीं। तो हम आ गए गोबर सार के, तीन राउंड लगाए हमने, ठंड लग गई है काफ़ी, अब पियेंगे पानी। तो जहाँ पे हमने हौज वो किया था, बंद किया था, जो देखते हैं उसमें पानी जमा हो गया होगा, वैसे हो जाना चाहिए अभी तक। तो देखते हैं अगर हुआ होगा तो पियेंगे पानी, नहीं तो फिर गांव जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए। तो चलिए टैंक टैंक टैंक
काफी सारा पानी जमा हो चुका है पीने लायक, बढ़िया साफ पानी। अब हम इसको कैसे पियेंगे, हम निकालेंगे। सामने पे है तिमले का पेड़, इससे से तोड़ेंगे हम एक दो पत्ते। ये लाए हम तिमले के पत्ते तोड़ के। अब इसका कैसे बनाएं कप, इसको पहले करो एक कोल्ड ऐसा, एक ऐसा, और थोड़ा थोड़ा छानो ऊपर का पानी, जो हल्का गंदा होगा उसको फेंको बाहर। इसको डुबाओ हल्के से और टेस्टी टेस्टी पानी बढ़िया पानी ठंडा पानी बहुत टेस्टी पानी बढ़िया ठंडा साफ पानी जो सिर्फ मिलेगा आपको उत्तराखंड में। डाल दिया हमने सारा गोबर दो तीन राउंड में जितना भी आया। अब सीधे चलते हैं घर की ओर, करीबन 12 बज चुके हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो हम सोच रहे बाकी करेंगे किसी और दिन, अभी के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। शाम का टाइम है, अब हम पहुंच चुके हैं घर पे, बढ़िया रिलैक्स रिलैक्स हो गए पूरे। ये आपको दिख रहा है मेरे घर से आगे का व्यू, बढ़िया तरीके से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश का मौसम है, पीछे आपको सरसर फरफर सुनाई दे रहा होगा क्या नज़ारा है, मज़ा आ गया बिल्कुल। इसके बाद बनाएंगे हम लोग गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बरसात का मौसम है और पहाड़ों पर चाय के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है।